मध्य प्रदेश के शिवपुर में 17 मार्च को एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के अवैध जमीनों पर बने मकानों और फसलों पर बुलडोजर चलाकर जमीन दोज कर दिया है। ऐसा कर पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है। गैंग रेप के जिन आरोपियों के मकान जमीन दोज किए गए हैं उनके नाम मोहसिन, रियाज और शहबाज है। शिवपुर की बालापुर बस्ती में रविवार सुबह पुलिस के साथ प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर पालिका के अमले ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की तो शहर में खलबली मच गई। मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने गैंगरेप मामले के आरोपियों के मकानों को एक एक कर 2 घंटे के भीतर जेसीबी मशीन की सहायता से ढहा दिया। गौरतलब है कि नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ जंगल में घूमने गई थी। उस दौरान 3 युवक वहां पहुंचे और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और फिर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 15 वर्षीय नाबालिग की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक वह सुबह अपने गांव से किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी। इसी दौरान उसका दोस्त मिल गया और वो दोनों जंगल में घूमने चले गए। गाँव के ही रहने वाले तीनों आरोपी मोहसिन, रियाज और शहबाज वहां पहुंचे और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। उसका दोस्त डरकर वहां से भाग गया और तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रशासनों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास स्थित एक आरोपी की 2 बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल को तहस नहस कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने इस कार्रवाई की वीडियो भी बनाई। बता दें कि आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना के बाद इलाके में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया। लोग यूपी की तर्ज पर अपराधियों के अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच प्रशासन ने कार्रवाई को हरी झंडी दिखा दी और फिर गैंगरेप के आरोपियों के मकानों को जेसीबी से गिरा दिया। देखिए, तो इनके द्वारा जो है अतिक्रमण किया गया था और अतिक्रमण किए गए मकानों को धराशायी किया गया है। जिनको लेकर नहीं नहीं ये तो अतिक्रमण किए हुए थे, इसको लेकर के की गई। ये जो नगर पालिका की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, ये लोग सरकारी ज़मीनों पर मकान बनाए थे, अवैधानिक रूप से रह रहे थे। इनको पूर्व में नोटिस दिए गए हैं और उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उनका वो अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई हुई अलग एक अलग मुद्दे में, उनके द्वारा शायद अपराध उनके विरुद्ध दर्ज हुआ है, एक गैंगरेप के संबंध में पुलिस थाने में दर्ज हुआ मामला, वो एक अलग विषय है। वो भी उस पर भी कार्रवाई चल रही है, वो अलग कानूनी कार्रवाई है। ये अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई थी नहीं, ये पहले से जिनको नोटिस दिए गए थे उन्हीं के।